हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? अच्छे ही होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ मंदिर। हम जा रहे हैं जाखू, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि मैं जाखू जाऊँगी, बट मैं गई नहीं। मैंने सोचा कि पहले पाखी मंदिर घूम लेती हूँ, फिर जाऊँगी बाद में, क्योंकि जाखू तो नज़दीक ही है मेरे लिए, तो यहाँ से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है मेरे इंस्टीट्यूट से। मेरे साथ एक मेरी बहन है और एक मेरी फ्रेंड। रुक जाओ यार, तो ये देखिए, ये मेरी फ्रेंड सुनसान रास्ता है ये। ज्योति। पहले हेलो कर दीजिए, फिर आप बाद में डिस्कस कीजिएगा। हाय। तो देखिए, हम लोग चल पड़े हैं, और ज्योति ज्योति ने नहीं आना था, और मल्लिका ने मुझे फोर्स किया है। ये मल्लिका ने मुझे रिक्वेस्ट की, हनुमान जी का बुलावा था, समझ गई ना? हाँ, पर मल्लिका को छोड़ने आना पड़ेगा नीचे, अगर नहीं आई ना आइंदा से सब व्लॉग में। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा था मैं दूसरे वाले रास्ते से जाऊंगी, बट मुझे ज्योति को छोड़ने नीचे ही आना पड़ेगा। मुझे डर लग रहा है यहाँ से आगे व्लॉगिंग करने में। मैं सोच रही हूँ मेरे हाथ से स्टिक ही ना छीन ले, डर लग रहा है मैं कैसे शूट करूंगी यहाँ से आगे। अंदर ये सेल्फी स्टिक पकड़ के खुद व्लॉग करेंगे। हाँ, और यहाँ पे बंदे चीजें लेते हैं, जेब भी छूटते हैं आपके। हाँ, एक दिन हाँ, सच में यार बैग भी ले जाते हैं वैसे तुम। अच्छा, मैं तो खाली आई हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बट फोन के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर हनुमान जी का नाम लेके चलो, भगवान प्लीज हनुमान जी हमें मंकी ना मिले, बस मिले मिलेंगे तो मिलेंगे, मिलेगी तो मिलेगी। यहाँ पे बहुत होते हैं, यहाँ पे तो बहुत। हाँ, यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, इनका बॉस चल रहा है। तो यहाँ से देखिए स्टेयर्स स्टार्ट होती है। वैसे तो मैंने पहले भी व्लॉग ये दिखाया हुआ है जाखू का, बट मैं फिर से आपको बता देती हूँ। स्टेयर्स यहाँ से शुरू होती है और ऊपर जाखू मंदिर तक खत्म। तो यहाँ से मंकी का भी देखिए, लोग कैसे डर डर के आ रहे हैं साइड साइड से। बस हमारा भी यही हाल होने वाला है, इतना ज्यादा डर है इसको कि हनुमान चालीसा इसने स्टार्ट कर दिया। ऊपर तक बढ़ी हो हनुमान चालीसा पूरी। तो अभी मैं फोन रख देती हूँ, क्योंकि देखिए मंकी बहुत ज्यादा है, ऊपर से बनाऊंगी थोड़ा। अभी सीरियसली इतने ज्यादा मंकी थे नीचे, नीचे से जय श्री राम जय श्री राम बोलते आ रहे हैं, और हमारे मंकी ने कुछ नहीं किया। हाँ, अभी तक की अश्रद्धा भाव होना चाहिए, कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, सच में बस बंदरों से प्यार, इन बंदरों से प्यार, बंदर सेना से प्यार मिलेगा आपको। अच्छा, अभी भोग भी आ रहा है, यहाँ से आप लोग ले जा सकते हो। बाकी बड़ा नोट रखा हूँ। अभी किसी को ज्यादा थक गया हो तो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए भी जगह जगह पे बने हुए हैं। जय जय। देखो फ्रेंड्स, अभी हम भजन गा रहे थे, वो भी निकाया जा रहा हमारे से, इतने बंदर थे, इतने मंकी थे नीचे, पूछो मत। हम खतरों से खेल के ब्लॉग सच में हम शूट कर पा रहे। तो अब हम पहुंचने वाले हैं ऊपर, और ज्यादा हो गए। आप लोगों को भजन गा के सुनाएगी, चलो आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आ जाएगी आवाज। सजा दो घर को गुलशन से, वाह। हाँ, ये तो अच्छा रहा ज्योति। सजा दो घर को गुलशन सा, बस ज्योति ज्योति का कमेंट कीजिएगा प्लीज, अगर आपको इसका भजन अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए। नहीं नहीं कमेंट कीजिएगा प्लीज। हम देखिए पहुंच गए, तो यहाँ पे सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का मंदिर भी है साथ में ही। जैसे जैसे आगे आगे जाओगे आप, हनुमान चालीसा पढ़ते जाना। यहाँ से स्टार्ट है हनुमान चालीसा आगे तक। कितनी ज्यादा भीड़ है, तो ये वहां तक है लिखी हुई आगे तक। हम अभी जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने। ये तो इतनी ऊंची है कि यहाँ से भी क्लियरली दिख नहीं रही।
यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ से दिख नहीं रही थी ठीक से। तो शूज़ हम यहाँ उतारेंगे, हम अभी दर्शन करने जा रहे हैं। जूता रखने के लिए सुरक्षित स्थान जो थी, आप रख सकते हो जूता। अच्छा, 2 साल बाद आई। आज यहाँ पे बहुत क्राउड है क्योंकि ट्यूसडे को ऐसे ही क्राउड रहता है, तो ये व्लॉग मैं थोड़ा सा लेट ही डालूंगी क्योंकि मैंने अभी तारा देवी का व्लॉग डाला है कल, उस व्लॉग को भी आप प्लीज़ देखिएगा। मैंने तारा देवी का जो व्लॉग डाला है, आई होप आप लोगों को वो भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मंदिर सच में मैं फर्स्ट टाइम गई थी, तो मुझे तो खुद भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा ही लगेगा। तो अभी हम लोग सब दर्शन करने जा रहे हैं, उसके बाद आपको बाकी का पूरा मंदिर दिखाएंगे। सब लोगों ने देखिए दर्शन कर लिए। तो हर ट्यूसडे को यहाँ पे भंडारा भी होता है, ये देखिए भंडारा भवन, ये जो मंदिर है इसके सामने ही है ये भंडारा भवन। तो ज्योति के फास्ट है, इसने अभी तक खोला नहीं है। मुझे बोल रहे, ये मुझे बोल रहे कि इस अच्छा वो कोई हो नहीं सकता है भंडारा अपना व्रत खोलने का। अच्छा हाँ, इससे तो मौका। वैसे तो सुबह खोल देते हैं, बट शायद मुझे पता नहीं था कि सुबह खोल देते। मैं नहीं खोलती सुबह, मैं तो शाम को खोलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे भंडारे के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, आपको दिख रही होगी अच्छे से। यहाँ से इधर को गार्डन भी है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो हम अभी अंदर आ गए हैं भंडारा खाने, प्लेट ग्लास हमें यहाँ से ले जाना पड़ेगा। तो अभी हम सब लोग बैठ गए हैं भंडारे का, मजा तो बैठ के ही है सच में। खड़े खड़े तो ऐसे लगता है कुछ खाया ही नहीं है। तूने इसने फास्ट खोला था, उसने खोल दिया है, तो अब हम खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हम लोग भंडारा खा के आ गए और बड़ा ही टेस्टी था सच में ज्योति, बड़ा टेस्टी था। मन खुश हुआ भंडारा। 2 साल बाद आ गए। हाँ, ज्योति तो बोल रही है कि 2 साल बाद आई है। यहाँ पे देखिए मैं आपको गार्डन दिखाती हूँ कितना अच्छा है। वाह कितने चिफला रहे, ये देखिए कितना सुंदर और बड़ा गार्डन है। तो मैं आपको एक यहाँ पे कैफे भी है, अंडर ट्री कैफे, अंडर ट्री। मैं भी बोल रही थी शायद, मैंने कुछ और बोला। ये संग्रहालय जब राम भगवान नहीं हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाए थे। हाँ ठीक कहा ज्योति, इसकी ट्रॉफी है ये। वाह क्या लॉजिक दिया है, इसमें एक ट्रॉफी अंदर। और ज्योति कह रही थी जो जब हनुमान जी क्या लाए थे, संजीवनी बूटी लाए थे, तो उनको किस ली ट्रॉफी तूने? मैं आपको दिखाती हूँ ट्रॉफी, बहुत बड़ी है ये देखिए, यहाँ से थोड़ी क्लियरली दिख नहीं रही ये ट्रॉफी। और हम पहुंच गए कैफे अंडर ट्री, वो नीचे को है। यहाँ देखिए कैफे अंडर ट्री, वो नीचे को है बट यहाँ पे नहीं है। अभी हम सब लोग घर जा रहे हैं क्योंकि बारिश भी आ गई है, और घर पे हमारा कोई वेट कर रहा है। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, घर जाके ही बताऊंगी कि आज कौन आने वाला है, क्योंकि हम खुद भी सरप्राइज्ड है कि अभी हमें फोन आया है। अभी हम फटाफट से घर जा रहे हैं, मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं। जय श्री राम। हम और आए खा नहीं सकती थी तो इस बार भी थे, बट नीचे से थे रास्ते से हनुमान चालीसा ऊपर तक पहुंचे। आप कभी यहाँ आओ ना, आपको बहुत हाँ। दिखे तो हनुमान चालीसा पढ़े, जय श्री राम जरूर बोलना। हाँ तब आप लोगों को मंकी कुछ भी नहीं करेगी।
यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। ये देखिए पीछे आपको फॉरेनर्स भी दिखाई दे रहे होंगे। ये वाला जो मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का, यहाँ पे हम गए नहीं है क्योंकि हमें थोड़ी लेट हो रही है। तो जो मैंने आपको अभी ट्रॉली दिखाई उसमें आप आ जा सकते हो, और मैं आपको चार्जेस बता देती हूँ 500 आने जाने के। आप चाहे तो टैक्सी भी बुक कर सकते हो। हम लोग पैदल जाते हैं क्योंकि हमें नज़दीक है और अच्छा लगता है हमें पैदल जाना। तो आप लोग चाहे तो आपकी मर्जी है, अगर पैदल चल सकते हो तो पैदल जाइए, अगर नहीं चल सकते तो आप लोग टैक्सी या ट्रॉली में भी जा सकते हो। वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता जाने में, मॉल से तो आपको 1 घंटा लग जाएगा जाखू पहुँचते पहुँचते, बट आज बहुत मज़े आए हमारे। ज्योति चली गई है और हम भी जा रहे हैं, अब आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। हम लोग पहुंच गए, अब बताती हूँ आपको कि वो मैं आपको किससे मिलवाने वाली थी। सरप्राइज। नमस्ते मम्मी। मम्मी हेलो, हेलो करो मम्मी यहाँ पे। तो मम्मी पापा आए हैं। चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि जैसा कि पता है मम्मी पापा आए हुए हैं, उनके साथ थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ, नहीं तो बोलेंगे कि तू तो वीडियो बनाने रहती है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।